नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। दोस्तों, आज जो पजल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल है, उसे आप लोग देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने में है, ये पजल हमें शिवम शर्मा ने भेजा है, सो थैंक यू शिवम हमारे साथ इस पजल को शेयर करने के लिए। और दोस्तों, आज से मैं आप लोगों को हिंदी में भी पजल अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि हिंदी में भी अवेलेबल करवाया जाए, तो मैंने कोशिश की है। तो चलिए, आपके सामने में हिंदी में भी पजल अवेलेबल है इस वक्त स्क्रीन पर, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। आप लोग इसको देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, हिंदी की टाइपिंग मुझे आती नहीं है, बट फिर भी मैंने कोशिश की है। अगर थोड़ी बहुत गलती भी हुई होगी तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए, अब आप लोगों ने कोशिश की होगी तो देखते हैं, अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8 persons ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल। सम ऑफ देम सिट्स एट 4 corners व्हाइल सम ऑफ देम सिट्स एट मिडिल ऑफ द ईच लाइन। द वन हु सिट्स एट द 4 corner फेसिंग आउटसाइड द सेंटर एंड द वन हु सिट्स इन द मिडिल फेसिंग द सेंटर। Each of them likes different color, red, pink, green and black. Only 2 persons likes same color but not necessarily in the same order. देखिए क्या बोल रहे हैं कि 8 लोग हैं और 8 लोग एक स्क्वायर टेबल पर बैठे हुए हैं, ठीक है। उनमें से 4 जो हैं वो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं और 4, देखिए 8 लोग हैं और कॉर्नर हमारे पास 4 हैं, तो 4 कॉर्नर पे ही 4 लोग बैठेंगे और बाकी के जो 4 बचे हुए हैं वो बीच में बैठेंगे, मिडिल में बैठेंगे, ठीक है। और बोल रहे हैं कि जो कॉर्नर पर बैठ रहे हैं वो आउटसाइड ऑफ द सेंटर फेस कर रहे हैं और जो मिडिल में बैठे हुए हैं वो इनसाइड ऑफ द सेंटर फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब साथ ही साथ बोल रहे हैं कि सभी लोगों को अलग अलग कलर पसंद है, लेकिन देख लो आप, यहाँ पे हमें सिर्फ 4 कलर ही हैं अवेलेबल, ठीक है। पर्सन्स 8 हैं लेकिन जो कलर्स दिए हुए हैं वो ओनली 4 हैं, ठीक है। यानी कि एक पर्सन को 2 कलर पसंद होगा और वो चीज़ यहाँ पे आगे में बोल भी रहे हैं कि ओनली 2 पर्सन लाइक सेम कलर, यानी कि 2 लोग हैं जो कि सेम कलर पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें डायग्राम बनाना होगा, एक स्क्वायर टेबल बनाना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर स्क्वायर टेबल बनाता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर देख लो इस तरीके से स्क्वायर टेबल बनाया एक, और यहाँ पर भी मैं एक और स्क्वायर टेबल बना लेता हूँ। ये मैंने बना लिया एक दूसरा स्क्वायर टेबल, ठीक है, देख रहे हो आप इस चीज़ को। चलिए अब क्या बोल रहे थे कि जो कॉर्नर पर बैठे हुए हैं वो आउटसाइड ऑफ द सेंटर फेस कर रहे हैं, ठीक है, ये आउटसाइड कर रहे हैं, और जो मिडिल में बैठे हुए हैं वो इनसाइड ऑफ द सेंटर फेस कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से मिडिल में भी हम लोगों ने दे दिया। उसी तरीके से यहाँ भी कर देते हैं कि जो कॉर्नर पे बैठ रहे हैं वो आउटसाइड कर रहे हैं और जो मिडिल में बैठ रहे हैं वो इनसाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, 2 conditions हम लोगों ने ले लिया। बीच में एक लाइन खींच देता हूँ ताकि पता चलती रहे कि 2 अलग अलग कंडीशन हमारे कहाँ पर हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एफ इज 3rd टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स रेड कलर। एफ जो है वो रेड कलर जो पसंद कर रहा है उसके राइट में 1, 2, 3 बैठा हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द पर्सन हु लाइक रेड कलर इज सिटिंग इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु सिट इन द फ्रंट ऑफ द वन हु लाइक रेड कलर, सेम एज फॉर ब्लैक, पिंक एंड ग्रीन। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इस लाइन को समझ गए तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। इसमें बोल क्या रहे हैं कि रेड कलर जो पसंद करता है वो उस आदमी के नेबर में बैठा हुआ है जिसके कि ऑपोजिट में, सामने मतलब ऑपोजिट, उसके ऑपोजिट में रेड कलर ही पसंद करने वाला व्यक्ति है, देखो। और यही चीज बाकी के कलर में भी फॉलो होगी। अब हमें क्या पता थी कि हमें ये पता थी कि रेड कलर 2 बंदा पसंद करेगा, ग्रीन कलर 2 बंदा पसंद करेगा, यानी कि कोई सेम कलर को 2 लोग पसंद करेंगे, ये चीज पता थी। तो अब देखो मैं इसको आप लोगों को यहाँ पर साइड में थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया एक छोटा सा, ठीक है। अब देखो मान लो कि यहाँ पर रेड कलर पसंद करने वाला है, ठीक है। तो बोल क्या रहे हैं कि इसके ऑपोजिट में जो बंदा रहेगा, मान लो यहाँ पर एक्स है, इसके ऑपोजिट में जो बंदा रहेगा उसके नेबर में ही दूसरा रेड कलर पसंद करने वाला व्यक्ति रहेगा, ठीक है। इसका नेबर कौन सा होगा, या तो एक नेबर ये होता है दूसरा नेबर ये होता है, मतलब इन्हीं दोनों जगह पर यही 2 पॉसिबिलिटी बनती है रेड कलर की, ठीक है। अगर एक रेड कलर कंफर्म है कि इस वाले पोजीशन पर है तो दूसरा रेड कलर या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा, मतलब इसके ऑपोजिट में जो बंदा बैठ रहा है उसके ही नेबर में आएगा, समझ रहे हो इस चीज़ को। चलो अब मैं दिखाता हूँ एक और, यहाँ पर मान लो अगर ग्रीन बैठा हुआ है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पर ग्रीन है तो दूसरा ग्रीन कहाँ पर आ सकता है, इसके ऑपोजिट में जो बंदा रहेगा, ग्रीन के ऑपोजिट में जो बंदा है, मान लो कि यहाँ पर वाई है, ठीक है, ग्रीन के ऑपोजिट में रहेगा जो उसके इमीडिएट नेबर में, यानी कि वाई का नेबर ये होगा या फिर ये होगा, तो दूसरा ग्रीन आपका या तो यहाँ पर आएगा या तो यहाँ पर आएगा, यानी कि ग्रीन के लिए बस एक ये पॉसिबिलिटी बनती है। अगर एक रेड यहाँ पर फिक्स है तो रेड के लिए दूसरी पॉसिबिलिटी या तो यहाँ बनेगी या तो यहाँ बनेगी, समझ गए इस चीज़ को कि ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्या बोलना चाह रहा हूँ वो आप अच्छे से समझ के होंगे, ठीक है। चलिए इसको अब मैं यहाँ पर नोट करता हूँ, ठीक है। इसको नोट कैसे करूँगा, यहाँ पर देख लो रेड है,
रेड है, तो ये रेड कहाँ बैठेगा, ये उस आदमी के नेबर में बैठेगा। मान लो कि यहाँ पर मैं दे देता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से कर देता हूँ, एक्स कर, चलो एक्स ही कर देता हूँ, ठीक है। वो एक्स के नेबर में बैठेगा और एक्स के अपोजिट में कौन रहेगा, एक्स के अपोजिट में रेड ही रहेगा, ठीक है। और यही चीज बाकी सभी कलर्स के लिए फॉलो होगी, ठीक है। यहाँ पर ऑल लिख देता हूँ, ऑल, समझ गए इस चीज को आप। अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि एक्स रेड के ऑपोजिट में एक्स है और एक्स के नेबर में रेड है, समझ गए इस चीज को। चलिए अब आगे अगला कंडीशन पढ़ते हैं, इस चीज को समझ गए तो अब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। चलिए आगे देखते हैं। ओनली 2% सिट्स बिटवीन द वन हु लाइक रेड एंड जी, ठीक है। जी डज नॉट लाइक रेड कलर, ठीक है। देखो रेड और जी के बीच में 2% बैठ रहा है और जी को रेड पसंद नहीं है, ठीक है। रेड जो है वो जी को पसंद नहीं है, ठीक है, समझ गए इस चीज को। रेड लिखकर मैंने काट दिया, ठीक है। अब देखो इस रेड में भी मैं इसे जोड़ दूंगा तो हो सकता है, क्योंकि रेड है उससे दो छोड़ के एफ है, तो दो छोड़ के जी यहाँ तो नहीं आएगा, इधर लेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि रेड पसंद करने वाला हमारे पास दो व्यक्ति हैं, अगर मान लो ये ए होता है तो हो सकता है ये रेड बी के बारे में हो, है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पर मर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि क्या पता ये अगर ए के बारे में है तो क्या पता ये बी के बारे में हो, समझ गए। इसलिए हम लोग अलग अलग लिख रहे हैं, मर्ज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो। ई लाइक्स ग्रीन कलर, इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एच, हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु लाइक रेड कलर। यानी कि ई कहाँ बैठा हुआ है, वो एच के राइट में थर्ड बैठा हुआ है, ठीक है। एच के राइट में एक दो तीसरा आपका ई बैठा हुआ है। ई को क्या पसंद है, ई को ग्रीन पसंद है, ठीक है। ई को ग्रीन पसंद है और एच के बारे में और बात बोल रहे थे कि वो रेड कलर पसंद करने वाले के इमीडिएट नेबर में है, ठीक है। तो एच जो है वो कहाँ पर होगा, रेड के इमीडिएट नेबर में होगा, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। एच डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द कॉर्नर एंड डज नॉट लाइक पिंक कलर। एच जो है वो हमारा कहाँ नहीं होगा, कॉर्नर पर नहीं होगा, ठीक है। तो कॉर्नर लिख के हम लोग इसको काट देते हैं और साथ ही साथ इसको पिंक कलर भी पसंद नहीं होगा, तो पिंक लिख कर भी काट देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कॉर्नर वाली बात हमें पता चली है कि एच हमारा कॉर्नर पर नहीं आने वाला है, ठीक है। कॉर्नर पर नहीं आएगा मतलब कहाँ आएगा, मिडिल में आएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ से हम लोग इसको एक बार यहाँ पर नोट डाउन करते हैं कि एच को मिडिल में लेते हैं, ठीक है। एच मिडिल में लेंगे तो एच से दो छोड़कर ई आना है, ठीक है। राइट साइड में एच के राइट में दो छोड़कर ई, एच हमारा इनसाइड है तो इसका राइट इधर होगा, तो एक दो छोड़कर यहाँ पर ई आएगा, ठीक है। और ई ग्रीन पसंद करता है तो यहाँ पर लिख देते हैं ग्रीन, ठीक है। अब देखो एच के नेबर में रेड आना है, तो या तो रेड यहाँ पर आएगा या तो रेड यहाँ पर आएगा, इन्हीं दोनों जगह पर कहीं भी आ सकता है, तो दोनों कंडीशन ले लेते हैं। इस वाले में हम लोग रेड को यहाँ पर रखते हैं और सेम चीज़ यहाँ भी करते हैं, एच को यहाँ लिखते हैं, ई को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ई को क्या पसंद है, ग्रीन पसंद है, ठीक है। अब एच के इस साइड में रेड को लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, समझ गए इस चीज़ को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको तो हम लोगों ने नोट कर दिया, ये रेड भी एच के नेबर में नोट हो चुका है दोनों जगह, ई को ग्रीन भी नोट हो गया है। अब एच के बारे में कॉर्नर भी नोट हो चुका है, पिंक पसंद नहीं करता है, तो चलो इसको भी नहीं काटते हैं, इसको भी रहने देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द वन हु लाइक पिंक कलर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए हु डज नॉट सिट एनी ऑफ द कॉर्नर्स। ए के लेफ्ट में इमीडिएट पिंक बैठा हुआ है, ठीक है, पिंक ए के लेफ्ट में इमीडिएट आपका पिंक बैठा हुआ है और ए जो है वो कॉर्नर पर नहीं बैठा हुआ है, ठीक है, यानी कि मिडिल में ही बैठेगा, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। बी लाइक्स ग्रीन एंड सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। बी को जो है वो ग्रीन पसंद है, ठीक है, बी जो है वो ग्रीन पसंद करता है और वो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। बी को ग्रीन पसंद है और वो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। अब सी डज नॉट लाइक पिंक कलर, सी को जो है वो पिंक पसंद नहीं है, तो यहाँ पर लिखता हूँ सी को पिंक पसंद नहीं है, ठीक है। अब सारी कंडीशन हमारे नोट डाउन हो चुके हैं, तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो इतनी सारी चीज़ें तो हम लोग पहले से ही बिठा चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें रेड के बारे में और ग्रीन के बारे में दो चीज़ों के बारे में पता है, और कलर से तो हम लोग यहाँ पर ये चीज़ पता कर सकते हैं कि जैसे अगर रेड यहाँ पर है तो दूसरा रेड कहाँ आ सकता है, इसके ऑपोजिट के नेबर में, यानी कि दूसरा रेड या तो यहाँ आएगा, ठीक है। अब जैसे ग्रीन यहाँ पर है तो दूसरा ग्रीन कहाँ आ सकता है, इसके ऑपोजिट में ये बंदा है तो इसके नेबर में, या तो दूसरा ग्रीन यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, ठीक है। ये क्या मैं समझा रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे अच्छे से, कि एक ग्रीन यहाँ है तो दूसरा ग्रीन या तो यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो दो कलर की पोजीशन फिक्स है, तो ग्रीन और रेड से रिलेटेड दूसरा कंडीशन कौन सा है हम लोग उसको देखते हैं। देखो
एक तो रेड के बारे में यहाँ पर है कि उससे दो छोड़कर एफ आएगा, ठीक है। एक रेड के बारे में यहाँ पर है कि उससे दो छोड़कर जी आएगा, ठीक है। अब देखते हैं ग्रीन के बारे में, यहाँ पर एक ग्रीन यहाँ पर है कि उसके एफ के इमीडिएट लेफ्ट में बी होगा और बी का कलर ग्रीन होगा, ठीक है। अब देखो इससे हम लोग बिठा सकते हैं, कैसे बिठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि ग्रीन किसे पसंद है, बी को पसंद है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो ये वाली जो ग्रीन है वो ई को पसंद है, ठीक है। यानी कि ये दोनों अलग अलग ग्रीन की बात कर रहे हैं, ये चीज़ कन्फर्म है हमारे पास, क्योंकि एफ के इमीडिएट लेफ्ट में ग्रीन है तो एफ को हम लोग यहाँ पर या यहाँ पर भी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि ये ई वाले ग्रीन की बात नहीं कर रहे हैं, बी वाले ग्रीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम ग्रीन को बिठा सकते हैं। कैसे बिठा सकते हैं? हमें ये पता है कि यहाँ पर ग्रीन है तो दूसरा ग्रीन कहाँ आ सकता है, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। और ग्रीन किसे पसंद है? बी को पसंद है, तो बी यहाँ पर तो नहीं आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर पहले से एच है, तो बी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। बी हमारा यहाँ पर, उसे क्या पसंद है? ग्रीन पसंद है, तो ग्रीन को यहाँ पर लिख दो आप आराम से, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारी, ग्रीन के अपोजिट में जो बंदा है उसके नेबर में ग्रीन बैठ गया, ठीक है। अब बी के बारे में क्या बोल रहे थे? कि वो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। तो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में, तो एफ को हमें यहाँ देना पड़ेगा तभी उसके लेफ्ट में यहाँ पर आएगा। अगर एफ को हम यहाँ पर देंगे तो उसका तो राइट हो जाता है बी, लेकिन बोल रहे हैं कि लेफ्ट में आएगा, तो एफ हमारा यहाँ पर ही आएगा और उसके लेफ्ट में ये बी ग्रीन आ गया। उसी तरीके से यहाँ भी देख लो, यहाँ पर ग्रीन है, ठीक है, तो उसके अपोजिट में जो बंदा बैठेगा उसके नेबर में या तो यहाँ ग्रीन आ सकता है, ठीक है। अब बी को ग्रीन पसंद है, ये चीज़ पता है, तो बी यहाँ पर तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर एच है, तो यही एक पोजीशन बनती है बी के लिए, है ना, और उसे ग्रीन पसंद है, तो ग्रीन यहाँ पर आ गया हमारा, ठीक है। अब वो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में है तो एफ हमारा यहाँ पर आएगा, उसके इमीडिएट लेफ्ट में ये आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमारी ये चीज़ तो नोट डाउन हो चुकी है। अब देखो, अब एफ का पोजिशन हमें दोनों जगह पता चल चुका है, तो और क्या बोल रहे हैं? कि रेड के राइट में दो छोड़कर एफ आना है, ठीक है। तो एक रेड तो यहाँ पर है हमारा, ठीक है, अगर एक रेड यहाँ पर है तो उसके राइट में इधर जाएंगे क्योंकि ये आउटसाइड है, तो एक दो छोड़ के यहाँ पर आना चाहिए एफ, लेकिन यहाँ पर है, ठीक है। यानी कि ये वाली बात दूसरे वाले रेड के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? कि एफ से दो छोड़कर आना है, ठीक है। तो एफ से दो छोड़कर, एक दो छोड़कर यहाँ पर रेड आ सकता है, या फिर एक दो छोड़कर यहाँ पर रेड आ सकता है, लेकिन रेड के राइट में जाना है, तो अगर यहाँ पर लेंगे रेड को तो उसके राइट में तो इधर जाएंगे, तो एफ तो बहुत दूर हो जाएगा। अगर यहाँ पर लेंगे रेड को तो उसके राइट में एक दो छोड़कर एफ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो रेड हमारा यहाँ पर ही होगा, आप लोग देख सकते हो। और जैसे ही हम लोगों ने रेड को यहाँ पर रखा तो चेक कर लेंगे कि पोजीशन उसकी सही बैठ रही है या नहीं। तो यहाँ पर हमारा रेड का पोजीशन फिक्स था, तो इसके अपोजिट में जो बंदा है उसके नेवर में रेड आना चाहिए, बिल्कुल उसके नेवर में ही आया है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर चेक करते हैं, एफ हमारा यहाँ पर है तो उसे दो छोड़कर रेड आना चाहिए, तो एक दो छोड़कर रेड हमारा यहाँ आ सकता है, या फिर एक दो छोड़कर रेड हमारा यहाँ आ सकता है, ठीक है। अब देखो, अब रेड से राइट में बोल रहे थे, अगर रेड को यहाँ लेंगे तो उसका राइट तो इधर जाएगा, है ना, तो इधर से तो बहुत दूर हो जाता है एफ, तो रेड को हमें यहीं पर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो रेड को हमने यहाँ पर लिया तो उसके राइट में एक दो छोड़कर एफ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर पहले से इस रेड की पोजिशन फिक्स थी, तो इसकी पोजिशन हम लोग चेक करते हैं, तो दूसरा रेड हमारा कहाँ आना चाहिए था? इसके ऑपोजिट में जो बंदा है उसके नेबर में, या तो यहाँ या तो यहाँ, ये दो पोजिशन हमारी रेड के लिए बन रही है, लेकिन आप लोग देख रहे हो कि इन दोनों जगह पर रेड नहीं है, रेड बल्कि यहाँ पर आ चुका है, तो रेड की पोजिशन तो यहाँ पर गलत हो गई, है ना। तो ये वाली कंडीशन हमारी इसी जगह पे गलत हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, समझ गए इस चीज़ को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको तो हम लोगों ने नोट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रेड से दो छोड़कर जी आएगा, और जी हमारा रेड नहीं हो सकता है, ठीक है। अब रेड की तो हमें दोनों पोजिशन कन्फर्म है, इसको तो अब चेक करेंगे नहीं, ये हमारा गलत हो चुका है, ठीक है। तो रेड की दोनों पोजिशन हमारे पता है, तो जी क्यों हम लोग रख सकते हैं, तो चलो पहले इस वाले रेड से चेक करते हैं, ठीक है। इससे दो छोड़कर जी आना है और जी रेड नहीं होगा, इसे दो छोड़कर इधर जाते हैं, एक दो छोड़कर यहाँ पर जी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर जी आएगा तो वो रेड हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इधर जाते हैं, एक दो छोड़कर यहाँ पर जी आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल जी आ सकता है, तो यहाँ से इस रेड से तो एक पोजिशन बन गई जी के लिए। अब इस रेड से चेक करते हैं, दो छोड़कर जी आना है, रेड नहीं होना है, तो यहाँ पर से दो छोड़कर, एक दो छोड़कर यहाँ पर एफ बैठा हुआ है, जी नहीं आएगा। इधर देखते हैं, एक दो छोड़कर यहाँ पर जी आएगा, लेकिन वो रेड हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस रेड से तो जी की पोजीशन नहीं मिल पाई, इसी रेड से जी की पोजीशन मिली है, कौन सी? ये वाली बनी है, ठीक है। तो जी हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया, इसको भी काट देते हैं। अब यहाँ से हमें क्या पता है? एक तो ये वाली कंडीशन पता है, और एक ये वाली कंडीशन पता है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं? कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में पिंक आएगा, और ए जो है हमारा वो कॉर्नर पर नहीं होगा,
कॉर्नर पर नहीं होगा मतलब मिडिल में होगा। तो मिडिल में कौन सी पोजीशन बच रही है उसको देखते हैं। यहाँ पर एच बी जी ये वाली कंडीशन बच रही है पोजीशन, तो हमारा ए इसी एक जगह पर आएगा क्योंकि बस एक ही पोजीशन मिडिल में खाली है। ठीक है, अब ए को यहाँ दिया तो उसके लेफ्ट में कौन देंगे, पिंक को देंगे। तो ए इनसाइड है उसका लेफ्ट यहाँ होगा, तो यहाँ पर हम लोगों ने पिंक को दे दिया। ठीक है, तो ये भी नोट डाउन हो गई। अब बस सिर्फ यही बच रही है, सी पिंक नहीं होगा। तो कौन सी पोजीशन सी के लिए बच रही है उसको देखो, सभी जगह तो फुल हो चुका है, बस यहाँ पर सी आ सकता है या फिर यहाँ पर सी आ सकता है। अगर यहाँ पर सी को देंगे तो वो पिंक हो जाएगा जो कि नहीं हो सकता है, तो सी हमारा इसी जगह पर आएगा, कन्फर्म है। अब बस यही एक पोजीशन बच रही है, तो यहाँ पर कौन आएगा चेक कर लेते हैं। ए बी सी डी हम लोगों ने कहीं पर नहीं रखा है, तो यहाँ पर हमारा डी ही आएगा कन्फर्म तरीके से। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को। तो सभी पर्सन तो हमारे नोट डाउन हो चुके हैं, बस कलर अभी तक नोट डाउन नहीं हुआ है, तो अब कलर को हम लोग नोट डाउन करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं कौन से कलर हमारे बच रहे हैं। रेड यहाँ पर है तो दूसरा रेड यहाँ पर है, तो दोनों रेड हो गए। ग्रीन भी हमारा एक दो दोनों हो गया। ठीक है, अब पिंक देखो, पिंक हमारा बस एक ही हुआ है और दूसरा नहीं हुआ है, और ब्लैक तो हम लोगों ने अभी तक एक भी नोट नहीं किया है। ठीक है, तो पिंक को हम लोग दूसरा तो बिठा सकते हैं क्योंकि एक पिंक की पोजीशन कंफर्म है, तो दूसरा पिंक कहाँ आ सकता है, इसके अपोजिट में जो पर्सन है उसका नेबर, यानी कि यहाँ या फिर यहाँ। ठीक है, ये दो जगह पिंक के लिए बनती है, तो यहाँ पर तो ग्रीन है, यहाँ पिंक नहीं आएगा, तो बस दूसरा वाला पिंक इसी जगह पर आएगा। तो दोनों पिंक भी हमारे नोट डाउन हो गए हैं। अब बस ब्लैक हमने एक भी नोट डाउन नहीं किया है, तो जो दो पर्सन बच रहे हैं वो क्या पसंद करेंगे, ब्लैक पसंद करेंगे। ठीक है, तो ब्लैक एक हमारा यहाँ पर आ जाता है और दूसरा ब्लैक हमारा यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो अब ब्लैक की पोजीशन को चेक कर लेते हैं कि सही बैठा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर ब्लैक को मानते हैं, तो इसके अपोजिट में जो बंदा है उसके नेबर में ब्लैक आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। इसी ब्लैक से आप चेक कर लो, इसके अपोजिट में जो बंदा है उसके नेबर में ब्लैक आ रहा है, बिल्कुल सही है, सभी चीज़ें सही है। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि इस पजल को हम लोगों ने किस तरीके से सॉल्व कर लिया है। बहुत ही मज़ा आया होगा आपको बनाने में, बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल था। तो उम्मीद है कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रही होगी, और वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसको जरूर लाइक करें, और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।